सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं स्टूडेंट एफ एफ और आज की फिल्म में आपको बीट सिंक एडिट कैसे कर सकते हो आप वंडर शेयर फिल्मोरा में वो सिखाने वाला। तो वंडर शेयर फिल्मोरा 11 आप डाउनलोड कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो पार्ट्स में रहेगी तो सिंपली इसके बाद वाले पार्ट में मैं बताऊंगा कि आप अपने गेम प्ले को कैसे बीट सिंक में ऐड कर सकते हो और बहुत ही ज्यादा इजी वे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी होगा। और वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना एंड मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया अभी तक तो, बिकॉज वहां पर ओमेगल की वीडियो डालता हूं मैं और ओमेगल मेरे को पता है आप लोगों को कितना पसंद है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस, आपको अपने वंडरशेयर फिल्मोरा को अपडेट कर लेना है इफ यू डिडंट अपडेटेड येट। सो बिकॉज फिल्मोरा 11 में बहुत सारे मस्त फीचर्स है इसीलिए बता रहा हूं। तो यहां पर हम आ गए हैं अपने फिल्मोरा में। आने के बाद सिंपली हम यहां पर अपना जो ये देख सकते हो आप, हमारा जो सॉन्ग हम यूज करने वाले वो है बिन तेरे सनम, जो कि अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और सभी लोग इस पे मॉन्टेजेस बना रहे हैं। तो आपको भी सिंपली मैं सिखाने वाला हूं इस पे मॉन्टेज आप कैसे बना सकते हो। तो सिंपल आपको क्या करना है गाइस, सिंपली यहां पर आपको लेना है बिन तेरे सनम को, आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर टाइमलाइन पे लाना है और यहाँ पे देख सकते हो ऑडियो देख रही है आपको टाइमलाइन वाली, वो टाइमलाइन पे लाना है। तो आप सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो फर्स्ट ऑडियो टाइमलाइन पे आप ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। आने के बाद किसी भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस पे क्लिक करना एंड ऑडियो ट्रैक्स बना लो मल्टीपल, 10 तक ऑडियो ट्रैक्स बना लिया मैंने। ओके चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर सिंपली आपको भी सेम ऑडियो ट्रैक्स बना लेने इतने, क्योंकि आपको यहाँ पर अपने जो गन साउंड होते हैं वो लगाने हैं आपको, ठीक है। तो सिंपली भी क्या करूँगा, इसका हम आवाज़ जो है कम कर देंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 6 यहाँ पर -6 कर देंगे। डबल क्लिक करके आप यहाँ से भी कर सकते हो, इसको सिंपली हम अप एंड डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा। तो सिंपली 5 या 6 तक रख देते हैं, दैट्स इनफ। सो नाउ सिंपली गाइस अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक बार सॉन्ग सुन लो, मैं सुन लेता हूँ, आप ही सुन लो साथ में। सो गाइस देख सकते हो आपने जैसे कि सुन लिया होगा अपना सॉन्ग, आई होप आपने सुन लिया होगा, अभी तक नहीं सुना है तो सुन लो फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी जो वीडियो है वो है 31 सेकंड्स की। मैंने इसलिए ऐसा सॉन्ग इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ पर जो खाली खाली है एंड यहाँ पर सीधा बेस आता है, यहाँ से जितने भी हमारे बीट सिंग जो लगेंगे सब यहाँ से लगेंगे, बाकी यहाँ से तो हमारे बस ऐसी एनिमेशन आप ऐड कर सकते हो या तो ऐसी कुछ भी रैंडमली कुछ भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर ये वाले पार्ट में यहाँ पर क्योंकि हमारे सारे जो हमें बीट सिंग ऐड करनी है वहां यहाँ पर आप देना है। अभी आपको क्या करना है गाइस, जहां पर बेस आ रहा है देख सकते हो, तो जहां पर सिंपली फर्स्ट बारी बेस जो बिन बिन जो मतलब वर्स का जो स्टार्टिंग वर्ड होता है बिन तेरे सनम का जो बिन है, जैसे वो बिन बोलता है वहां पर आपको एक मार्क लगा देना। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक बिन जैसी बोलता है वहां पर एक मैं मार्क लगा दूंगा। मार्क आप सिंपली यहां से लगा सकते हो या तो आपके कीबोर्ड के पास एम रहेगा, एम क्लिक करोगे तो मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इस ये सुनने के बाद अभी हमारे नेक्स्ट वर्स पे जाते हैं। तो नेक्स्ट वर्स होता है हमारा मर मिटेंगे हम, तो मर मिटेंगे देख सकते हो, तो यहाँ पर मर बोलता है। आप सिंपली कीबोर्ड के जो एरो के बटन होते हैं उससे आप आगे पीछे करके इसको सिंपली एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर बीट ऐड कर सकते हो। तो सिंपली मैं फिर से एम क्लिक करूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे को बीट लग रही है, तो यहाँ पर आ मेरी जिंदगी वाला आ की तरफ जो हमारा जो है हमको यहाँ पर मार्क ऐड करना है, देख सकते हो। तो यहाँ आ मेरी जिंदगी है, यहाँ पर हम इसको पूरा ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर वैसे हमको जैसे हमने पिछली बार किया है यहाँ पर वैसे ही आपको सिंपली बिन तेरे सनम मर मिटेंगे वहां पर आपको सिंपली ऐड कर देना है। तो सिंपली लास्ट हमारा यहाँ पर लगाना, ठीक है। अभी देख सकते हो हमारे जो मेन जो बीट्स है वो हमें 6 जो हमारे 6 बीट्स यहाँ पर मेन है, तो यहाँ पर ये मत समझना इतना ही बीट है, बीट सिंग अभी और आप करना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर अभी आपको करना है, यहाँ पर आपको मेन कोई मतलब कोई भी मेन गन जो होता है 1 टैप वाला गन वो यहाँ पर इसके साउंड आपको इस बीट्स पर लगाने, ये वाले बीट्स जो हमारे इन बीट्स पर आपको मेन वाले गन साउंड लगाने जो कि 1 टैप्स होते हैं वो लगाना है। तो सिंपली मैं आपको गन के साउंड के पैक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक में, तो वहाँ से सिंपली मेरा लिंक ओपन करोगे तो आपको सिंपली मेरा पैक मिल जाएगा, पैक डाउनलोड कर लेना एंड पैक पे सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे गन साउंड। सो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्योंकि सिंपली मैं जितने भी हेडशॉट वाले हैं सभी को मैंने लेकर आ गया, जो कि M18 के, AWM के, ड्रैगन ऑफ, M1014, डेजर्ट ईगल एंड SKS, ये जो सारे हमारे गन जो लेजेंड गन्स होते हैं जिसमें बहुत ही मस्त 1 टैप जो हमारा बीट सिंह लगेगा बहुत ही OP देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हम लेकर सबसे पहले बीट में हम यहाँ पर AWM लेकर आएंगे, तो सिंपली AWM को ड्रैगन ड्रॉप करूंगा मैं एंड करने के बाद यहाँ पर जैसे तो इतना स्पेस जो हमारा खाली बच गया तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक हम ट्रिम कर देंगे एंड बस दैट्स इट। देख सकते हो एक बार मैं सुना देता हूँ आपको, तो यहाँ पर एक इसको मैं आगे करूँगा, एक फ्रेम यहाँ पर मैं इसको बड़ा करता हूँ, एक फ्रेम आगे, यहाँ से कट एंड बस दैट्स इट। बीट के हम इसको सीधे लाइन में लगा देंगे, तो यहाँ पर आपको ये एक जगह पर हमने ये लगा दिया, अब ये बीट पर हमको लगाना है M18 या M10 जो भी आपको मर्जी आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर M18 लगा देता हूँ एंड इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रिम
दैट्स इट। अब इस बीट पर हमको SKS जो भी आपकी मर्जी वो लगा ले, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ डेजर्ट ईगल एंड यहाँ पर हम लगा देंगे इस, यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लगा देंगे ये ड्रैगन ऑफ। तो ये साइड हम लगा देंगे हमारा M1040 अब लास्ट में हमारा जो SKS है वो लगा देंगे एंड SKS का भी यहाँ से यहाँ तक हम इसको ट्रिम कर देंगे, बस इतना रहने दो। तो यहाँ पर जो ये हमारे जो इतने इतना स्पेस जो हमने खाली छोड़ा यहाँ पर लास्ट में भी, ये लास्ट में तो हमारे जो एंड स्क्रीन होता है वो लग जाएगा एंड यहाँ पर हम बीच में थोड़े से ऐड कर देंगे अपने दिमाग से। तो आप सिंपली सीरीज इसकी देखते जाओ, पार्ट्स में वीडियो आएगी तो ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, बीट सिंकिंग करनी है। ये तो अपने नॉर्मल हेडशॉट सिंकिंग कर दी, आपको बीट सिंक करनी है। तो बीट सिंक में हमारे जो गन्स यूज होते हैं वो होते हैं हमारे XM8, M4A1, M14 भी बोल सकते हो आप, और पैराफल ये वाले बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। तो मैं यहाँ पर XM8 एंड M4A1 एंड पैराफल यूज़ करने वाला हूँ और अपने हिसाब से आप कोई भी और भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो सिंपली मैं यहाँ पर सिंगल शॉट्स के आपको पैक में मिल जाएंगे, तो सिंपली पैक से मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। तो सिंपली देखिए, तो मैंने तीनों गन साउंड से ला लिया, XM8, पैराफल, M4A1। अभी इन लोगों को क्या करना है, आपको सिंकिंग करनी है। अब मैं बताता हूँ आपको सिंकिंग कैसे करनी है। जैसे कि आप कोई सॉन्ग सुनते हो तो वो सॉन्ग को आप गाने की भी कोशिश करते हो, तो आप सिंपली जब गाते हो, मैं सिंपल वे बता रहा हूँ, जब आप गाते हो तो सिंपली आप उसको वैसे मत गाओ जैसे आप गाते हो नॉर्मली, जैसे कि आप टिन 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 ऐसे करके गाते हो ना कभी कभी, तो आप अपने दिमाग से ही बना सकते हो कोई भी बीट, ठीक है। जैसे कि मैं गाना गाऊंगा ऐसे भिन्नते रहस्यम को टिन टी टिन टी टी, तो यहाँ पर मैं ऐसे करके लगाऊंगा। तो सिंपली मैं बताता हूँ आपको कैसे लगाना है। तो एक बार यहाँ पर आप, तो यहाँ पर एक हम यहाँ पर XM8 लगाएंगे, तो XM8 को उठा के ला लेता हूँ मैं भाई। तो सिंपली गाइस यहाँ से मैं इसको यहाँ पर मैं ट्रिम कर देता हूँ इतना, इस पार्ट को हम यहाँ पर डिलीट करेंगे तो ये हमारा जो है थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो सिंपली मैं इसको Ctrl+Z करके यहाँ पर ला कर डिलीट करूँगा, दैट्स इट। अभी आपको कहना है देखते हैं, यहाँ पर आपका बीट आ रहा है जो हमारा XM8 का है, बिनते ते पे आपको एक XM8 का सॉन्ग लगाना है। तो यहाँ पर सिंपली इतना करीब इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो या फिर Ctrl+C करोगे तो कॉपी हो जाएगा। तो ये करता हूँ मैं, तो यहाँ पर तेरे मतलब तेरे रे पर भी एक लगाना है आपको। तो सिंपली हम यहाँ पर इस वाले बीट, इस वाले लेयर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक पेस्ट कर देंगे एंड अपने हिसाब से यहाँ पर एक लगा देंगे। तो सिंपली इसको कॉपी कर लिया मैंने, फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो देख सकते हो गाइस तेरे पे यहाँ पर मैं दो लगा रहा हूँ और यहाँ पर आप सिंपली अपने हिसाब से लगा सकते हो। अब सनम पे दो यहाँ पर बीट लगेंगे, तो इसलिए बोला था मैं कि ज़्यादा आप यहाँ पर ऑडियो ट्रैक्स बना लो, बिकॉज देख सकते हो नीचे कितने यहाँ पर जा रहे हैं। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर जितने भी बीट सिंक हो सकते थे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, आप अपने दिमाग के हिसाब से इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने दिमाग में इसकी मेलोडी बजाओ एंड यहाँ पर अपने हिसाब से अपने दिमाग से सोचो कि किस वर्ड्स पे किस वर्ड पे मेरे को क्या लगाए तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, या फिर आप इसको बार बार मल्टीपल टाइम्स इसको प्ले करके सुन लेना कि या फिर ये बीट पे मैच कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अभी आप सिंपली एक पे काम कर लिए, अभी आपको दूसरे पे काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इतना इजी मैंने यहाँ पर वे बताया है। अभी देख सकते हो यहाँ पर गाइस जितने भी हमने यहाँ पर इसको करे हैं इसको सिंपली हम कर देंगे कॉपी। कॉपी एक बार करने के बाद गाइस अभी आपको कहना है सिंपल, जब हमारा जो नेक्स्ट बीट है वहां पर हम जाएंगे एंड देख सकते हो, सुनो एक बार। तो यहाँ पर मर मिट मिटे वाला मिट जो होता है, मतलब मिटेंगे वाला मिट जो होता है, वहां पर हमको सिंपली पेस्ट कर देना है सभी को, कुछ नहीं करना, बस पेस्ट कर दो, दैट्स इट। मैं बताता हूँ यहाँ पर मैं आगे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने एंड इसको यहाँ पर लेयर को नीचे लेकर आएंगे एकदम इससे नीचे, दैट्स इट। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस से एंड इसको हम यहाँ से खींच कर लाएंगे एंड दैट्स इट। देख सकते हो गाइस सिंपली आपको एक ही जगह लगाना है, बाकी सब में आप फ्री हो जाओगे बिल्कुल, मतलब उसके बाद कोई काम ही नहीं करना है आपको। आपको सिंपली अब यहाँ पर आपको सिंपली आपको लगाना होगा मतलब M4A1 या फिर पैराफिल के साउंड्स। तो सिंपली आपको सिंपली क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके पहले यहाँ पर ला लो एंड इसके जो मतलब यहाँ पर मत करना, नहीं तो वो सब पार्ट वो हो जाएंगे, जितने भी यहाँ पर ऑडियो वो ट्रिम हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर हम आने के बाद इसके जो ट्रिम कर देते हैं यहाँ तक करने के बाद, अभी आपको क्या करना है सिंपल, इसको हमारे XM8 की जगह देख लो आप कहाँ हैं, XM8 की जगह है यहाँ पर, मैं एरो से कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड के।
ऐसे आगे पीछे आप ऊपर और नीचे वाले एरो दबाओगे तो आगे पीछे हो जाएगा, यानी यहाँ पर इससे करोगे तो मतलब आगे पीछे वाले एरो दबाओगे तो ऐसे आगे पीछे हो गया आप, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले पे आ जाऊंगा, इसको मैं यहाँ से रिप्लेस करके पैराफिल का साउंड लगा दूंगा। तो सिंपल दैट्स इट, आपको सिंपली ऐसे ही करना है। तो सिंपल मैं इसको यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एंड यहाँ पर अब जाना है हमारे दूसरे वाले पे, एक्सेमेट को यहाँ पर इसको किनारे कर देंगे एंड हमारा इसको जो है कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर इस वाले बिट पे पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। अभी आपको कहना है XML, इस वाले XML पे जाना है, इसको इधर कर देंगे एंड यहाँ पर पैराफिल आप क्या करो यहाँ पर एक बार सुन लो आप, सिंपली इस देख सकते हो यहाँ पर साउंड आ रही है, यहाँ पर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लगा देंगे। सो देखा गाइस क्या क्या बोला था मैंने आपको, सिंपली बहुत ही इजी हो जाएगा ऐसे करने में। तो सिंपल अभी आपको M4A1 के साउंड्स लगाने, उसके बाद तो आपका काम और इजी हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। सिंपली अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इन पूरों को यहाँ पर XML को ही कॉपी कर लेते हैं बिकॉज इसके सिंक्स अच्छे हैं। तो कॉपी कर लिया मैंने, करने के बाद यहाँ पर आपको आना है, आने के बाद सिंपल वैसे ही आपको यहाँ पर बताना, यहाँ पर आके पेस्ट कर दो, यहाँ पर आके पेस्ट करना है एंड यहाँ पर इसको नीचे ले लेंगे लेयर्स के एंड यहाँ पर आएंगे इधर हमारे इस वाले यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर गाइस जैसे तो मैंने ये लगा दिया, अभी यहाँ पर सिंपली अभी आपको क्या करना है, M4A1 पे एक बार क्लिक करो एंड यहाँ पर आप इसको अपने एरो के हिसाब से आगे पीछे करो, यहाँ पर सिंपली ऐसे ये मार्क पे क्लिक करो एंड इसको यहाँ ला लो एंड अब XML पे जाओ, यहाँ पर इस XML को हटाओ, M4A1 को लगा दो, नेक्स्ट वाले पे जाओ, इसको हटाओ, सिंपल इतना करने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना है भाई, इनको सीधा कॉपी करो, पूरा पूरा कॉपी करो ऊपर से लेकर, ठीक है। यहाँ पर सिंपली Ctrl+C करूँगा कॉपी हो जाएगा, या फिर यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सिंपली इधर वापस आना है, इसको पेस्ट करना है, इनको लेयर ला लो फ्रेम में एंड यहाँ पर अभी आपको करना है, यहाँ पर अब ड्रैगनव वाले पे सिंपल आपको इन तीनों को एक साथ पेस्ट करना है। तो बस भाई आपका काम हो गया, आपको कुछ भी मत्था खराब करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब बार बार बीट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार ऐड करो, एक ही बार से हमने सभी बीट्स पे ऐड कर दिया। तो देख सकते हो एक बार सुन लो आप, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा, एक हम यहाँ पर पीछे कर देते हैं इसको, दैट्स इट गाइस। अभी देख सकते हो आपका जो बीट सिंक बनके तैयार हो गया। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट में सबसे मेन चीज हम यहाँ पे करेंगे जो कि होता है हमारा गेम प्ले ऐड करना, जो कि सबसे ज्यादा मत्था खराब वाली चीज होती है, और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कलर ग्रेडिंग एंड इफेक्ट्स ऐड करना, ठीक है गाइस। सो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आने से लाइक ड्रॉप कर दो नीचे कमेंट में एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट जरूर से कर देना। और बाकी गाइस देख सकते हो कितना यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टाग्राम पे लगाओगे तो जरूर लोग समझेंगे भाई ये तो बन गया एडिटर बन गया भाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, जिसको भी बीट सिंग बनाने नहीं आती या जिसको भी आती हो उसको भी सेंड कर सकते हो। और गाइस आई होप आपने अभी तक 300 लाइक्स कंप्लीट कर देंगे, पहली बार 300 का मैंने मांग रखा है, तो आई होप आप कंप्लीट कर दोगे या फिर कर भी दिए होंगे, मेरे को पता नहीं, तुम लोग बहुत शातिर हो। बाकी यही थी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।